इनके लब रंगी मिठावर के जिसने ये कहते हैं कि जैसे रिश्ते लगते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि रिश्ते किसी घर में अगर शादी वगैरह फिक्स होती है तो लड़की वाले लड़के वाले ना दूसरी पार्टी की तहकीक करते हैं इलाके में जाकर, और तहकीक कर फिर आस पड़ोसियों से उस घर के लड़के के या लड़की के बारे में जिसका रिश्ता होता है मालूमात करते हैं। तो ऐसे में उन लोगों में लड़के में या लड़की में भी घर या फैमिली में भी कुछ बुराई होती है, तो क्या उनको उनसे बयान करना, अगर वो पूछें ईमानदारी के साथ बता देना, इसको गीबत कहेंगे या नहीं कहेंगे, और अगर इसको गीबत कहेंगे तो क्या नहीं बताना चाहिए, तो क्या उनसे फिर झूठ बोल दें, अगर वो पूछे कि भाई लड़के में ये ऐब है तो क्या मना कर दें, नहीं है। तो असल में गीबत की ना कुछ जायज़ सूरतें भी होती हैं, और ये जायज़ सूरत उसी में से एक है कि अगर किसी शख्स से किसी के बारे में मशवरा लिया जाए, अब चाहे वो शादी का हो, कारोबार का हो, या इस किस्म से कोई ऐसा मशवरा है कि किसी के बारे में नुकसानात का अंदेशा आगे चलकर हो जाएगा, वो शख्स मशवरा लेना चाहता है, तो बतौर मशवरा उसके सिर्फ उस बात को जिस बारे में पूछा गया है बता देना, ये गीबत नहीं होता। इसकी मिसाल ऐसे समझेंगे कि कहीं लड़की का रिश्ता लगाया है किसी ने और वहाँ जाके लड़के के घर वालों से मिले, अब क्योंकि लड़के के घर वाले तो ख़ुद नहीं बताएंगे कि हमारा लड़का जुआरी है, शराबी है या काम नहीं करता वगैरह वगैरह, तो क्योंकि फिर वो लोग अपनी जो है लड़की की सेफ्टी के लिए कि लड़की का रिश्ता जो है वो गलत घर में ना हो, इसके लिए वो तो तहकीक करते हैं, और ये काम हर कोई करता है। तो फिर जब वो तहकीक करेंगे तो आस पड़ोस से मालूम करते हैं, तो अगर आस पड़ोस में वो ये लोग कहते हैं कि भाई लड़का जो है ना हमने सुना है ठीक ठाक है, कोई ऐब वगैरह तो नहीं है, और उस लड़के में वाकई कोई ऐसा ऐब है कि जो जाहिर है कि भाई मसलन ये कि वो जुआ खेलता है और घर वालों ने बात छुपाई है, तो ऐसे शख्स को वो चीज़ बताना, अगर वो पूछते हैं कोई ऐब है तो बता सकता है कि हाँ जुआ खेलने का ऐब उसमें मौजूद है, अगर घर वालों ने चीज़ नहीं बताई तो फिर झूठ बोल रहा है। दूसरी वजह इसकी ये है कि इससे जो है ना आगे फसाद के अंदेशे रहते हैं, क्योंकि अगर वो शख्स इसको नहीं बताएगा कि जुआ खेलता है या शराब पीता है, वो चीज़ ऐलानिया कर भी रहा है लेकिन घर या फैमिली वालों ने छुपाई है, तो ऐसे में बाद में लड़की को जो है ना आजमाइश का सामना करना पड़ेगा, यानी एक बेवजह बेकसूर समझ लें आप उसमें वो उसका घर बर्बाद होगा। इसमें अब दो रास्ते बचेंगे, या तो आए दिन का लड़ाई का मामला रहेगा, और या फिर ये मामला रहेगा कि लड़की जो है वो वहाँ पर जुल्म सहकर जो है वो सब्र करती रहेगी अगर खुश नहीं भी रहेगी। तो इसलिए अगर कहीं किसी का रिश्ता लगने में कोई बात ऐसी पूछी जाए और जिस बात के बारे में हाँ उसको लोगों पे जाहिर भी है और उसका इल्म भी है वाकई में, और वो कहते हैं कि भाई हमने ऐसा ऐसा सुना है कि वाकई ये सच है, तहकीक करना चाहे तो बता दे। मसलन काम के बारे में सुना है, बहुत से लोग कह देते हैं कि हमारे लड़के का ये कारोबार है, मसलन अपना कोई काम बिजनेस करता है, अपना कारोबार है, अगर वो शख्स आके कन्फर्म करता है कि भाई इन्होंने बताया कि लड़के का इस चीज़ का काम है, इस चीज़ का कारखाना फैक्ट्री है, सही बात है, तो अगर वो वाकई में सही बात है तो बता सकता है कि हाँ ऐसा है, और अगर नहीं है तो मना कर सकता है कि भाई नहीं इसका कारोबार नहीं है, ये बंदा जो है ना फला जगह पर जाकर काम करता है, यानी नौकरी पेशा बंदा है, अपना खुद का बिजनेस इसका नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जो रिश्ते वगैरह में मशवरे मांगे जाते हैं या बिज़नेस वगैरह पार्टनरशिप के अंदर भी मशवरे मांगे जाते हैं तो उसमें बता देना चाहिए। यही सूरत बिज़नेस में ऐसी होती है, किसी के साथ पार्टनरशिप बंदा करना चाहता है और उसको मालूम ही नहीं है कि ये शख्स की आदत कैसी है, इसके साथ पैसा लगाना सही है या नहीं, फिर वो उसके आस पड़ोसी से जाकर इन्फॉर्मेशन ले कि यार मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ फला शख्स के साथ, तो मेरा पैसा या पार्टनरशिप करने से साथ सही है या नहीं। अगर उसके उस अमाल का मालूम है कि भाई इसके साथ पहले भी लोगों ने पार्टनरशिप की है और ये बंदा पैसा कुछ दिन कारोबार शुरू करके धोखे से अपने कब्ज़े में कर लेगा या आपको उससे बेदखल कर देगा, ये पैसा डूब जाएगा तो वापस नहीं मिलेगा वगैरह वगैरह, तो इन सारे मशवरों में जो है बंदे को सलाह दे देनी चाहिए, इसको गीबत नहीं कहेंगे। बल्कि गीबत तो रहेगी लेकिन इसकी जायज़ सूरत रहेगी क्योंकि इसमें कोई नुकसान का पहलू नहीं है, ये वो गीबत की सूरत है कि जिसमें गुंजाइश होती है कि मामला अगर किसी से पूछा जाए तो वो शख्स उसके बारे में। हसन लाले पुरनवार।